अगर पेपर में पूछा जाता है कि टेक्निकल टर्म्स फिलेट वेल्डिंग के रिलेटेड और बट वेल्डिंग के रिलेटेड आपको बताना है, तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है उसके अंदर, सिर्फ थ्योरी मत लिखना, ठीक है? आपको पूरा डायग्राम बनाना है इस तरह से और शो करना है कि थ्रोट थिकनेस क्या है, टो क्या है, क्लियर है? यस मैम। आप पहले बता दो, अभी किसी को नहीं समझ आया हो तो। अच्छा सुनिए एक और बात, अब ये तो हमें यहाँ तक साइज ऑफ वेल्ड पता चल गया, थ्रोट थिकनेस पता चल गई। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, जिससे मैं बोलती हूँ बिल्कुल इस कॉर्नर पॉइंट से बिल्कुल इसके सीधे आप अपनी एक लाइन एक्सटेंड कर दो, आपकी थ्रोट थिकनेस हो जाएगी, ठीक है? आपका ये बी पॉइंट जो है बिल्कुल, इसको रूट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? रूट। रूट क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल एकदम रूट पॉइंट ही तो है वेल्डिंग का, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? रूट। जैसे एकदम आखिरी पॉइंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रूट ऑफ फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट क्या है बेटा? अब मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कहने को तो ये इस तरह से है तो ये सीधी लाइन होनी चाहिए, लेकिन हम वेल्डिंग के ऊपर इसको हल्का सा क्या प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे इधर कन्वेक्सिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इस कन्वेक्सिटी की वैल्यू कितनी होती है? ऑन एन अप्रोक्स 1 से 3 mm होती है। क्या होती है? 1 से 3 mm। और इसको हम क्या बोल देते हैं? और ये क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा रीइंफोर्सिंग मटेरियल, मतलब ये जो एक्चुअल वेल्डिंग यहाँ पे ज्वाइन होती थी, हमने उसके ऊपर थोड़ा सा क्या किया, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया, उसको एक्स्ट्रा रीइंफोर्सिंग मटेरियल बोलते हैं। क्यों प्रोवाइडेड? ओवर द थ्रोट थिकनेस फॉर अ स्मूथ कर्व्ड सरफेस, ताकि हमारा जो सरफेस बने दो प्लेट्स के बीच में एकदम स्मूथ कर्व्ड सरफेस बने, एंड वो हमारे फिलेट वेल्ड को क्या प्रोवाइड करे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है? हम इसको ऊपर हमारे फिलेट वेल्ड को एक अच्छी सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, इसीलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्या प्रोवाइड कर देते हैं? रीइंफोर्सिंग मटेरियल, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर से ऐसे कर्व बने हमारे पास। तो ये कितनी वैल्यू पे होता है? 1 से 3 mm पे होता है। क्लियर है बेटा? ये टर्म्स किसी को दिक्कत हो इन टर्म्स में? नेक्स्ट अगर हम जाए, अब आती है कि मिनिमम वैल्यूज कितनी है। अब हम कोड के हिसाब से चलते हैं, कोड्स में क्या क्या है? मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है? हमें ये पता होना चाहिए कितना मिनिमम साइज और कितना मैक्सिमम साइज होना चाहिए उन्हीं के बीच में जो वैल्यू है। मतलब अगर ये मेरी प्लेट है, ठीक है, और एक ये प्लेट इधर है, मेरे को इधर इसके बीच में फिलेट वेल्डिंग करनी है, तो ये जो S की वैल्यू है, अब मैं अगर साइज ऑफ वेल्ड बोलूंगी तो आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए कि साइज ऑफ वेल्ड क्या है, ये S, ये वाली, इस केस में फिलेट वेल्ड ये केस में। तो अब ये S की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होनी चाहिए ना। ज्वाइन हुआ है इसका, ठीक है? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें कोड में होनी चाहिए। आपको एक चीज बता दें, वेल्डिंग की जो बेसिक जितनी भी गाइडलाइंस होती है उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट कोड होता है, दैट इज IS 8161969, ठीक है? अगर आप पूरी वेल्डिंग को अगर आप पढ़ना चाहो वेल्डिंग के बारे में, लेकिन हमें बिल्कुल थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है बेसिक गाइडलाइंस, तो कोड ने हमें बेसिक गाइडलाइंस दी है। अब आप कोड का क्लॉज 10.5.2.3 जब देखेंगे और उसमें टेबल 21 देखना, आपको वहां पे दिखेगा साइज की गाइडलाइंस दे रखी है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट क्या कहता है कि अगर हमारी प्लेट जो हमारी थिकर मेंबर है, ठीक है, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर जो है, अगर वो 10 mm तक है तो हमारा मिनिमम साइज कितना आना चाहिए? 3 mm। आई होप अब आप समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की बात हो रही है। जिस किसी को दिक्कत हो कि ये क्या वैल्यू बता रही हूँ, मेरे को पूछ सकते हो, मैं दिखा भी देती हूँ दोबारा से बना के कि ये आपकी दो प्लेट हैं, यहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे हो, ये आप S के बारे में पढ़ रहे हो, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो ये आपको S की वैल्यू बता रहा है कि मिनिमम अगर आपकी प्लेट जो है 10 mm की है तो 3 mm का आपने साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करना है। अगर आपकी प्लेट 10 mm से लेकर 20 mm के बीच में है तो आपने 5 mm का प्रोवाइड करना है, 20 mm से लेकर 32 mm तक तो 6 mm का प्रोवाइड करना है साइज, और अगर 32 mm से लेकर 50 mm के बीच में तो कितना प्रोवाइड करोगे? 8 mm फर्स्ट रन ऑफ वेल्ड। वेल्डिंग दो रन में करी जाती है,
पहले रन के केस में अगर आप ज्यादा थिकनेस दे रहे हो, ज्यादा साइज दे रहे हो तो 8 mm, तो जब आप सेकेंड रन करोगे तो उसमें आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 10 mm तो होनी चाहिए तब तक साइज। क्लियर है क्या बोला मैंने? हाँ जी मैम, मिनिमम 8 mm होनी चाहिए मैम। मिनिमम बेटा 8 mm किसके लिए बता, क्या बोला अभी मैंने? जब आपकी प्लेट्स 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 जो आपकी यूज हो रही है, जो आपकी प्लेट्स की थिकनेस है, अगर आपकी 32 mm से लेकर 50 mm के बीच में, मतलब ये वाली प्लेट, इनकी जो मैक्सिमम थिकर वैल्यू है अगर 32 mm से लेकर 50 mm के बीच में है, तब तक उसकी वैल्यू की बात कर रही हूँ, समझे? अभी मैं आपको कोड्स में भी दिखाती हूँ अभी कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? और अगर मैं अभी बात करूं मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात कहाँ पे हो रही है? फॉर स्क्वायर एज, ये मैं आपको कोड्स में इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी, ठीक है? अगर आपके बिल्कुल स्क्वायर एज है, बिल्कुल इस तरह से सीधे एज है, ठीक है, आपकी प्लेट के, इसको हम बोल देते हैं बिल्कुल सीधा एज, दैट इज स्क्वायर एज, ठीक है, जहां पे आपकी प्लेट्स हो गई, फ्लैट्स हो गए, उस केस में रजे हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होता है? मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अप्लाई टू स्क्वायर एज शुड नॉट एक्सीड थिकनेस ऑफ एज -1.5। ध्यान से सुनो, मतलब ये प्लेट हो गई जहां पे सीधा एज है, वहां पे आपकी जो भी थिकनेस ऑफ प्लेट होगी ना, ठीक है, उसमें से आप माइनस क्या कर दो, 1.5, ठीक है, उतना टी में से माइनस कर दो 1.5, उतनी आपको एटलीस्ट फिलेट प्रोवाइड करनी है मैक्सिमम। क्लियर है मैंने क्या बोला? मतलब अगर ये टी थिकनेस है प्लेट्स की थिकनेस, ठीक है, उस एज की थिकनेस में से 1.5 माइनस कर दो, मतलब इतना गैप 1.5 mm का छोड़ दो, उतनी आपकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी कोड्स में भी दिखाती हूँ चीजें, कोड्स में कहाँ लिखी है, कोड्स में आप अगर इसकी बात करो, अपना लिखना हो तो यहाँ पे, वैसे मैं क्लियर भेज दूंगी, यहाँ पे कट गया है, 10.5.8 में है ये क्लॉज में। नेक्स्ट क्या है? फॉर राउंडेड टो, अगर आपका ये किस तरह से, मान लो ये एक एंगल सेक्शन है, ठीक है, और ये यहाँ पे राउंडेड है, कर्व है, यहाँ पे नीचे प्लेट है, आपने इसको वेल्डिंग से जोड़ना था, तो उस केस में क्या कहता है बेटा? मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अप्लाइड टू द राउंडेड टो ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन शैल नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3/4 टाइम ऑफ राउंडेड टो। मतलब अगर मैं डायग्राम इसको क्लियरली बनाऊं, इधर से इस तरह से कर्व होगा ये, ठीक है, तो क्या कह रहा है, 3/4 जो वेल्ड होगा यहाँ पे कितना होगा, 3/4 ऑफ टी, टी क्या है, थिकनेस ऑफ राउंडेड टो, ये जो टो की, ये जो राउंड हो रखा है ना, ये इसकी थिकनेस, तो 3/4, अगर यहाँ फिर क्या बोलूं कि ऊपर से कितना छोड़ दो, 1/4 ऑफ टी ऊपर से छोड़ दो, माइनस कर दो ओवरऑल टी में से, या फिर ओवरऑल कितना दे दो, 3/4 ऑफ टी, इतना राउंडेड सेक्शन के लिए। क्लियर है? मैक्सिमम और मिनिमम क्लियर है कि मैक्सिमम कितना रखना है, मिनिमम कितना रखना है? और अभी एक चीज ध्यान रखना, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम होना उतना ही प्रोवाइड करो, मतलब मिनिमम कितनी गाइडलाइंस, ये वाली, हम लोग इसके नजदीक रहने की कोशिश करते हैं। क्यों राजे? देखो, जितनी हमारी थिकनेस होएगी वेल्डिंग की ज्यादा, उतना हमारा वीक सेक्शन होगा। मतलब अगर जहां पर भी हमें डबल लेयरिंग करनी पड़ रही है ना वेल्डिंग की, फर्स्ट रन करना पड़ रहा है, फिर दूसरा रन करना पड़ रहा है, ताकि हम इसकी वेल्डिंग की थिकनेस, सॉरी जो साइज है, वो बढ़ा सके, ठीक है, तो उतना ही वीक सेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि डबल लेयर में हो रहा है, तो वो जहां पर भी उसका सेकेंड रन होगा ना, वहां पे क्रैक आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम साइज से ही अपना काम चलाएं, और मिनिमम साइज में ही इतनी परफेक्शन से करें कि प्रॉपर आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ सके। क्लियर है? ये जो चीज मैंने बोली वो इसमें, ये चीज देखी हुई कि आफ्टर कैलकुलेटिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, वी आर टू सिलेक्ट अ सूटेबल साइज एस, हमें सूटेबल साइज एस सिलेक्ट करना होता है विद इन द रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू।
इन दोनों के बीच में एस की वैल्यू हमें डिसाइड करनी पड़ती है. और क्या बोल रहा है, यूजुअली वेल साइज क्लोजर टू द मिनिमम साइज. अभी मैंने आपको बोला हम प्रेफर करते हैं कि मिनिमम साइज के नजदीक ही अपना वेल्डिंग का साइज रखें, नहीं तो अगर ज्यादा रखोगे तो आपकी स्ट्रेंथ और क्या आएगी, कमजोर आएगी. और जहां पर भी आपके डबल रन हो रहे होंगे, एक से ज्यादा लेयर में अगर वेल्डिंग हो रही होगी, वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, चिपिंग हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे और वो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी. क्लियर है? और ओवरऑल वेल्डिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो वो हमें सूटेबल नहीं होता है. तो हम जितना कोशिश करते हैं कि मिनिमम साइज के आसपास ही रहे. ठीक है, मैं आपको कोड में दिखा देती हूँ ये कहाँ पे लिखा है. देख सकते हो कि मैं बताऊं, रुको ये वाले तो दो बता ही देती हूँ. आप ये देख रहे हो टेबल, टेबल 21 मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन दिखाई टेबल. अभी शो नहीं हो रहा मैम. अरे हाँ जी, नहीं हो दिख रहा है. नो मैम. नो मैम, एक मिनट रुको बाबू. मेरी तुम्हें पहले दिख रही थी सारी स्लाइड. Yes, ma'am. तो मैं इतनी देर से बोल रही थी. अरे फिर तो ये दिखना चाहिए बाबा. रुको, अब इज इट विजिबल? यस मैम. हाँ देखो, ये टेबल 21 दिखा, दिस वन. यस मैम. ठीक है, अब आप अगर देखो, आपको इसमें सारी गाइडलाइंस, ये पेज नंबर बताती हूँ. वेल्डिंग से रिलेटेड पेज नंबर 78 में शुरू हो जाता है सारा. कौन सा पेज, याद रखना, ये देख रहे हो, यहां से शुरू हो रहा है जो पूरा हमारा क्लॉज है 10.5. वेल्ड एंड वेल्डिंग, ये सारा हमारा वेल्डिंग के ऊपर है 10.5. अब यहां से जितनी भी बेसिक गाइडलाइंस है वो सारी आपकी यहाँ से शुरू हो रही है. देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्ड एंड वेल्डिंग, अभी मैंने आपको बताया था IS 816 में सारा है. अब एंड रिटर्न क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. लैप ज्वाइंट की क्या क्या गाइडलाइंस है. ठीक है, जैसे मिनिमम लैप कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 4 times दी थिकनेस ऑफ कौन सी प्लेट, थिनर प्लेट. लैप ज्वाइंट इससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए. ठीक है, और थिनर पैट या फिर 40 mm. आप लोगों की बुक्स में ना ये गलत लिखा हुआ है, 4 mm लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना 40 mm है वो. ठीक है, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतना लैप हमें प्रोवाइड करना रहेगा. आगे ये तो अभी डिस्कस करेंगे. जो मेन जो मैंने आपको दिखाना था वो ये टेबल 21 दिखाना था कि अगर आपकी प्लेट का साइज 10 mm तक है तो 3 mm, 10 से 20 के बीच में है तो 5 mm, 20 से 32 के बीच में है तो 6 mm, और 32 से 50 तो कितना है, 8 फर्स्ट रन के लिए और 10 मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड. ठीक है, आपका होना चाहिए तो वो सेकंड रन में आप प्रोवाइड करते हो. दिख गया टेबल? यस मैम. ये है आपका मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड. आगे यहाँ पे इसमें आपको थ्रोट इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की भी गाइडलाइन दिखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे बाद में. ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की सारी गाइडलाइंस इधर है. मैक्सिमम वाला कहाँ है, मैं आपको मैक्सिमम वाला दिखा देती हूँ. 10.5.8 में जाना है. ये देख रहे हो, फिलेट वेल्ड अप्लाइड टू एज ऑफ अ प्लेट और सेक्शन. तो आपका यही पहले वाला क्लॉज, वेयर अ फिलेट वेल्ड इज अप्लाइड टू द स्क्वायर एज ऑफ पार्ट, द स्पेसिफाइड साइज ऑफ वेल्ड शुड जनरली बी एटलीस्ट 1.5 mm लेस देन द एज. यही था. और दूसरा क्या था, वेयर द फिलेट वेल्ड इज अप्लाइड टू द राउंडेड टो, जहां पे भी राउंड टो होगा उस केस में इट शुड नॉट एक्सीड 3/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द सेक्शन ऑफ टो. अब मैं आपको ये डायग्राम भी दिखाऊं इधर, तो ये 17A और 17B.
जब पेपर में अगर मान लो कोई गाइडलाइंस पूछे तो आप ये डायग्राम्स भी जरूर बनाना, ठीक है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको समझाया था डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है। कैन यू सी दिस डायग्राम, क्या करा हुआ, ये वेल्डिंग हो रखी है, ठीक है। 1.5 mm इतना गैप होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम साइज के लिए। और अगर ये एंगल सेक्शन है यहां से, तो आपका ये यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ये आपका 1/4 टाइम टी कम कर दो डिस्टेंस, या फिर कितना हो गया 3/4 ऑफ टी थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, क्लियर है। क्या बताया था आपको? यस मैम, काफी अभी के लिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यस मैम, बहुत है।